बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड मॉड्यूल पढ़ेंगे जो कि है ई। ये लाइट डॉट लिखा जाता है इसको, यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था ए जो कि हेवी डॉट था, ये है ई जो लाइट डॉट है। इसका साउंड क्या है? इसका साउंड ए से निकलेगा, जैसे वो ए था, ए आई। ये जहाँ पे ई होगा, इंग्लिश में हम ई लिखते हैं तो, और आवाज़ ए की आती है तो वहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे है एच, जे लिखा, ई दे दिया एच। फिर है जे लिखा, डॉट दे दिया एच। ये भी सेकंड प्लेस वाविल कहलाता है, जो कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट हम लिखेंगे उसके दरमियान में लिखा जाएगा। ये जैसे लिख दिया बैट, बेटी। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि दो कॉन्सोनेंट होते हैं, पहले हम दोनों कॉन्सोनेंट के लिखेंगे फिर वाविल देंगे। जैसे पी बी पेब, ऐसे नहीं कि हम पहले लिखें पी वाविल दे दें फिर बी, नहीं ऐसे नहीं। पहले कॉन्सोनेंटों को लिखेंगे फिर टी डी टेड। ये हमने हाइफन दे दिया, हाइफन हमने पहले पढ़ा है। जहाँ पर हाइफन आ जाए उसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है टेड। उसके बाद है डेप्ट, डी टी। अच्छा, इसमें बी है इंग्लिश में डेप्ट, यही हो गया डेप्ट। इसमें क्या है कि बी साइलेंट है, हम पढ़ते हैं डेप्ट, यानी डेबिट नहीं पढ़ते डेप्ट। यहाँ बी साइलेंट है तो शॉर्ट हैंड में हमेशा जिसका साउंड, जो साउंड निकलता है वही लिखा जाता है। हम डेबिट नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साउंड इसका डेप्ट है। अच्छा, इसमें भी ए की तरह, क्योंकि सेकंड प्लेस वाविल है तो स्ट्रोक हम लाइन पे लिखेंगे, ना कि क्रॉस ना ऊपर। जेट,